वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं, लोग जानना चाहते हैं सर कि कंटेंट राइटिंग जो स्किल है जो 2023 में अपकमिंग और बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, उसके बारे में जानने के लिए सर आप यकीन नहीं मानेंगे हमारे पास 10 मेल आ चुके हैं। हाँ। और लोग अब स्पेसिफिकली करियर ओरिएंटेड सवाल ही पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आइए हम सौरभ सर से जानना चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग असल में क्या है। सर नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप संगीता जी एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकता है। हाँ। अगर आपका लिखने का पैशन है, सबसे पहला सवाल कि आपको लिखने का पैशन है, अगर पैशन है तो कमाल का काम हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑलरेडी लिख रहे हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग आपको बिल्कुल सीखना चाहिए, बिकॉज ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। तो काफी मेल्स बिल्कुल आए हैं और इसी बात पे आज हम बात करना चाहते हैं किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट कंटेंट राइटर्स को बड़ा मदद कर सकता है। सर सबसे ज्यादा जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कंटेंट राइटिंग में अपना करियर कैसे एस्टैब्लिश करें, क्योंकि लिखने का शौक तो बहुत सारे लोगों को होता है, पर प्रोफेशनली अपने आप को कैसे मोल्ड करना ताकि आप एक करियर एस्टैब्लिश कर सकें, तो कैसे शुरुआत करें। बिल्कुल, देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जहां तक हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बात करें, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप कमाल का काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा बिजनेसेस के 2 बड़े चैलेंजेस हैं जहां तक हम डिजिटल मार्केटिंग बात कर रहे हैं। नंबर 1 कंटेंट। फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि किस तरह से कंटेंट बनाएं। हाँ। और सवाल है क्या वो हर दिन ट्वीट कर पा रहे हैं? हाँ। क्या वो हर दिन पोस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नंबर 2 जो सबसे बड़ा चैलेंज है, व्हिच इज एंगेजमेंट। आपने पोस्ट तो कर दिया बट आप लोग से एंगेज कैसे करेंगे। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि कंटेंट जो भी डिजिटल मार्केटिंग आप स्ट्रेटेजी का बात कर लीजिए, आप अच्छे कॉपी राइटिंग का बात कर लीजिए। हाँ। आप लैंडिंग पेज के कॉपी राइटिंग का बात कर लीजिए। हाँ। आप वेबसाइट बनाने का बात कर लीजिए। हाँ। आप आर्ट क्रिएटिव्स का बात कीजिए, ईमेल मार्केटिंग का बात कीजिए, कैप्शन का बात कीजिए, आप किसी का भी बात कीजिए, कंटेंट राइटिंग अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर है। सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ मार्केटिंग, हम बिल्कुल मार्केटिंग सोच नहीं सकते विदाउट कंटेंट राइटिंग। और आप देखिए कोई भी एजेंसी है या फिर आपका बिजनेस, कंटेंट राइटर एक कमाल का काम कर सकता है है और आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकता है। हाँ। So, मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट राइटिंग इज नॉट गुड टू हैव, इट्स मस्ट टू हैव। ओह यस, सो गुड टू हैव नहीं है। हाँ, अगर आप में से एक अच्छा कंटेंट राइटर है तो आप कमाल का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक अच्छा कंटेंट राइटर 300 ट्वीट्स लिख दे ट्विटर में, आप हमारे ट्विटर अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं कितने अग्रेसिवली ट्वीट्स करता है। अगर एक अच्छा कंटेंट राइटर अच्छे ट्वीट्स बना ले, आपके प्रोफाइल विजिट शुरू हो जाएंगे, आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक अच्छा लैंडिंग पेज, एक अच्छा एड कॉपी कमाल का काम कर सकता है। सो कंटेंट राइटिंग बात कर रहे हैं, ब्लॉग जैसे आप बात कीजिए, ये भी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक में बड़ा मदद कर सकता है। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा पहले कि जब कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो ये 2 चीजें तो आप सबको जानना पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, ये एक हाईएस्ट पेड स्किल सेट है। हाँ। कहने का मतलब अगर मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट का बात करूं या फिर अपवर्क चले जाइए, आप फाइवर चले जाइए, लोग एक ब्लॉग लिखने के, 1000 शब्द लिखने के $1000 भी ले रहे हैं, $500 भी ले रहे हैं। और भारत में कम से कम 1000 शब्दों का ब्लॉग लिखने के लिए कम से कम ₹1 से ₹1.5 ₹2 हर कोई ले रहा है अभी, पर वर्ड। इसका मतलब एक ब्लॉग ₹1000 का लिख रहे हैं तो करीब करीब 1500 से 2000 आपको पड़ सकता है। ना एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश के साथ साथ आपको बाकी रणनीति भी जानना होगा। बिकॉज आप समझिएगा लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखने का ऑब्जेक्टिव अलग है, एड कॉपी अलग तरीके से लिखा जाता है, ब्लॉग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये स्किल सेट है जो बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। और जितने कंटेंट राइटर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिजिटल का एज इसके साथ ले आए, अगर आप कंटेंट राइटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की रणनीतियां सीख लें, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख लें, अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करें ये स्किल को सीखने के लिए, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। बिकॉज मैं आपको सिंपल बता दूं, देखिए एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलते हैं कि आप ऑलरेडी कंटेंट लिख रहे हैं, आप ब्लॉग लिख रहे हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने ब्लॉग तो लिख लिया बट आप पता ही नहीं कर पा रहे इसको मेजर कैसे करें। सही बात, ऑप्टिमाइज कैसे करें? 100%। क्योंकि मैं जितने कंटेंट राइटर से मिला, मैं उनसे पूछा कि चलिए आपने कितने ब्लॉग्स लिखे, और ब्लॉग लिखने के बाद मैंने उनसे सवाल पूछा क्या ये सही है। अब आप समझिए जब तक आपके डेटा नहीं होगा तो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, जो कंटेंट राइटर्स कंटेंट तो लिख रहे हैं पर हर एक कंटेंट मदद करे ये कुछ जरूरी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, अभी लाखों लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ आप एक कुछ ऐसा ब्लॉग लिखें जो गूगल के पहले पेज पे दिखाई दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सुरेंद्र नगर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, ये कॉम्पिटिटिव शब्द है जिसमें हमने कॉन्टेंट लिखा और अभी फिलहाल पहले पेज पे दिख रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप ऐसा सब कॉन्टेंट लिखना चाहते हैं, बिकॉज कुछ कॉन्टेंट हम लिखते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट पे रैंक पाने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए, कुछ कॉन्टेंट हम लिखते हैं कस्टमर्स को नर्चर करने के लिए, कुछ कंटेंट हम लिखते हैं कस्टमर को, विजिटर को कस्टमर बनाने के लिए। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, सवाल है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंटेंट लिखने का। सो अगर आप कंटेंट राइटिंग के साथ अगर आप डिजिटल सीख ले तो बहुत बढ़िया समझ पाएंगे कि प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। दूसरे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके पास ये है कि मान लीजिए अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप गूगल एड सीख लें, अगर आप एसईओ सीख लें, तो आपका जो कंटेंट राइटिंग स्किल है आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो सर इस पे एक क्वेश्चन है कि सही कहा आपने कि बहुत सारे लोग जो है ब्लॉग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट, बिल्कुल मेरा कंटेंट गूगल के पेज 1 पे रैंक करे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके लिए हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, और यही मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम कंटेंट राइटर पर्सपेक्टिव ये आइडियाज भी वो ले। सो कंटेंट राइटर आपको समझिए आपको कंप्लीट कंटेंट राइटर बनना चाहिए। okay. मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि कंटेंट राइटर छोड़ के आप एसईओ में चले जाएं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं आपको ये कह रहा हूं अगर ये स्किल सेट आपके पास आ जाए तो आप एक अच्छा अनुभव ला सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको कंटेंट क्यों लिखना है, कितना लिखना है। अगर मैं कुछ सवाल कंटेंट राइटर से पूछूं कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, या मैं पूछूं ये ब्लॉग का टोटल वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, इस ब्लॉग में कितने एनएलपी शब्द होने चाहिए, तो बड़ा चैलेंजिंग सवाल हो सकता है। इसको कैसे मेजर करेंगे, आप कैसे आउटरीच करेंगे ईमेल में, तो ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने चाहिए। सो नंबर एक, अगर कंटेंट राइटर अगर डिजिटल मार्केटिंग रणनीति को सीखता है, नंबर एक उसको समझ में आ जाएगा कौन से प्लेटफॉर्म में कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। नंबर दूसरा, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा डेटा को मेजर करने के लिए, क्योंकि खुद का कंटेंट लिख रहे हैं। अब आप समझिए कंटेंट राइटिंग अपने आप एक बड़ा चैलेंजिंग है सारे बिजनेस में, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जो भी कुछ करना है कंटेंट राइटिंग आ जाता है। और आप समझिए एक चीज समझना होगा कि मुझे इंग्लिश अच्छा आता है, मैं अच्छा बिजनेस ओनर हूं, तो इसका मतलब नहीं मैं अच्छा कंटेंट लिख लूंगा, बिकॉज आपको तो समय देना पड़ेगा, स्किल सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल में बहुत सटीक और स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ता है। दूसरा जो मैंने आपको बोला सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अच्छे कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएगा। तीसरा, कंटेंट राइटर्स को आइडिया होना चाहिए कि कंटेंट को मार्केट कैसे किया जाता है, आपने कंटेंट को लिखा है, आप तो कमाल कैसे करें ऑनलाइन पे अपना कंटेंट, आप 100% तो अगर उसको ये एज भी आता है कि भाई किस तरह कंटेंट को मार्केट करेंगे, तो समझिए उसका कितना इंप्रूवमेंट हो गया। कंटेंट राइटिंग के साथ ये चेरी ऑन द केक होगा, बिल्कुल सही, और इसमें उसका आत्मविश्वास बनेगा, कल को कंपनी रहेगी। और हमने काफी केसेस में से देखा जहां पर कंटेंट राइटर लिख रहा है और वो मिडिल मैनेजमेंट में जाना चाहता है। कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं 10 साल से, मान लीजिए, या 5 साल से शुरुआत कर रहे हैं, आपको मिडिल मैनेजमेंट में जाना है, तो इस सब स्किल सेट्स आपको चाहिए कहीं ना कहीं, तभी तो आप अच्छी टीम को गैदर कर पाएंगे। तो आप क्यों ना आप गूगल एड सीखे, क्यों ना आप सोशल मीडिया ऑटोमेशन सीखे, क्योंकि कोई भी आप ऑटोमेशन सिस्टम का बात कीजिए, इट्स ऑल कंटेंट ड्रिवन, और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कंटेंट राइटर्स को बिल्कुल कोर्स करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, ये स्किल सेट अडैप्ट करना चाहिए, और अब देखेंगे उनमें आपको काफी निखार आएगा। अब देखिए हमारे यहाँ तो काफी कंटेंट राइटर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, नंबर एक, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज दे नो हाउ मशीन वर्क्स। अब उनको आइडिया आता है कि नहीं चलो किस तरह से करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंटेंट राइटर फिलहाल अभी तक देख रहा था कि ब्लॉग का कंटेंट कैसे लिखे, वो अच्छा तरह से ब्लॉग ऑप्टिमाइज कर पा रहा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये भी समझ पा रहा है कि नहीं कंटेंट राइटिंग लिखना है तो मुझे कोल्ड ईमेल्स भी करने हैं। अभी तक शायद आपको ध्यान में नहीं आ रहा, अच्छा कंटेंट राइटिंग कोल्ड ईमेल्स क्या होता है। सो कोल्ड ईमेल्स है तो सिस्टम आपके पास है, आपके पास स्ट्रेटेजी स्किल सेट है, और आपको कंटेंट राइटिंग का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बता दूं कि इसमें काफी क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास बिल्कुल काम कराना चाहेंगे, क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग तो लिख सकते हैं, एसईओ का बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और अगर कंटेंट राइटिंग के साथ साथ कुछ और स्किल सेट्स आपने ले लिए तो कमाल का काम हो जाएगा। आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म्स। दूसरा चीज सर, जो कंटेंट राइटिंग में आते हैं ना, यंग जनरेशन आ रहा है सर, क्योंकि एकदम रेगुलर फील्ड नहीं है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बिल्कुल, तो बहुत सारे जो यंग पीपल है ना, सो दे वांट टू गो अब्रॉड, राइट। तो मुझे लगता है सर क्या कंटेंट स्किल उनका ये ड्रीम पूरा करने में हेल्प कर पाएगा? एक चीज तो 100% तय है, मैं आपको बता दूं कि कंटेंट राइटर्स का डिमांड ऑल ओवर इंडिया है, अच्छे कंटेंट राइटर्स की अभी भी जगह है, और अगर कंटेंट राइटर्स के साथ ये स्किल सेट है तो आपको कहीं भी, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, कनाडा जाइए, दुबई जाइए, भारत में जाइए, कंटेंट राइटर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी स्कोप है। और सर बेसिक अगर हम बात करें ना, नॉर्मली बच्चे आते हैं मेल पर, हमसे लोग पूछते हैं ये सवाल कि कितना सैलरी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हमारा कंटेंट के लिए, तो सर उसके बारे में आप बताइए कि। देखिए मैं अंदाजन देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, वी डोंट गेट व्हाट वी डिमांड, वी गेट व्हाट वी डिजर्व। करेक्ट। तो किसी बड़े महान ने ये बात बोली है, बिल्कुल सही। तो आपको समझना होगा पहली चीज कितना सैलरी मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा आपके प्रूवन रिजल्ट्स कितने हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग के लिए आ रहे हैं, आप जॉब के लिए आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग के लिए आप आ रहे हैं, आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले क्लाइंट यही पूछने वाला है कि आपने कंटेंट राइटिंग में क्या रिजल्ट्स अचीव किए। बिल्कुल सही। अगर आप सिर्फ बोले हमने ब्लॉग लिखा, ठीक है, लेकिन सवाल उस ब्लॉग का हुआ क्या। अगर आपको इसका आइडिया है तो कमाल का काम हो जाएगा। अगर आप मेरे लिए 4 ब्लॉग लिखें, 10 ब्लॉग लिखें और वो रैंक करना शुरू कर दे, हम आपको बिल्कुल पैसा देंगे। और हर एक कस्टमर आपको, हर एक बिजनेस ओनर आपको पैसा देने को। तो पहला बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रूवन रिजल्ट चाहिए। कहने का मतलब है अगर आप कंटेंट राइटिंग शुरुआत करना चाहते हैं करियर का, तो पहले तो आप समझिए क्या आपको यू नो इससे मोहब्बत है, चाहत है कंटेंट लिखने में। बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर कंटेंट राइटर्स सिस्टम पे बैठे हैं, उनकी चाहत मोहब्बत है, दे राइट कंटेंट। तो क्या आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, क्या आपको लिखना अच्छा लगता है? बिकॉज मैं आपको बता दूं, राइटिंग अ ब्लॉग इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल शायद आप बहुत पसंद करते होंगे, कोई दूसरा ना पसंद करे। सबके अपने स्किल सेट्स हैं, लेकिन अगर आपको लिखना पसंद है ना तो ये कमाल का काम हो जाएगा। आपको देखिए मैं आपको नॉर्मल सैलरी बता दूं, अगर आप 1-8 साल से काम करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको 20-25-30 हज़ार से कम मिलेगा आपको। और ये फिर डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करो, कहाँ के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अपवर्क जैसी साइट देख लीजिए या फिर फ्रीलांसिंग साइट्स आप देख लीजिए, वहां पर लोग एक ब्लॉग के 2,000 रुपए से लेकर 5-10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंटेंट जरूर चाहिए, इसके लिए टूल चाहिए, रणनीति चाहिए, समझ चाहिए और प्लेटफॉर्म्स का आइडिया दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स से आप कंटेंट राइटिंग के जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने 10 कैंडिडेट्स हैं जो बोल रहे हैं वो ब्लॉग लिख सकते हैं, और एक कैंडिडेट है जो ये बोल रहा है कि उसने 5 ब्लॉग लिखा है, उसके वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, वो उसके एड्स काम कर रहे हैं। ना एक बात यहाँ पर एक बहुत अच्छा लग रहा है कि कंटेंट राइटिंग लिख रहे हैं आप, बट सामने से अभी भी जान रहे हैं कि कंटेंट के काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहा है, उसको यूटिलाइज करना भी हम सीख रहे हैं, 100%, उससे रिजल्ट भी हम ले रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये ट्यून करना पड़ेगा। एक अच्छे कंटेंट राइटर्स में ये कला बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एनालिटिक्स के मास्टर बन जाइए, लेकिन आपने अगर कंटेंट लिखा है तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि चलो कंटेंट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जो कंटेंट आपने लिखा उसमें काफी ट्यून करना पड़ता है हमको भी। हो सकता है हमने लास्ट महीने जो ब्लॉग लिखे शायद परफॉर्म नहीं किए, तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। अभी चेंजेस क्या करना होगा, ये तो इनपुट चाहिए आपको कहीं ना कहीं। और इसलिए कंटेंट राइटर्स के लिए मुझे लगता है बहुत डेडली अपॉर्चुनिटी है, अगर वो एसईओ सीख जाए, आइडिया एसईओ का ले ले, गूगल एड्स ले ले, सोशल मीडिया ले, तो आप देखिए वो एक टीम को मैनेज कर सकता है कुछ समय में। सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, वो टीम को गाइड कर सकता है, वो गूगल एड्स को गाइड कर सकता है, वो अच्छे ईमेल्स कैसे लिखने बना सकता है। बिकॉज ब्लॉग लिखना और ईमेल लिखना बिल्कुल अलग है, वेबसाइट का कंटेंट लिखना, लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखना बिल्कुल अलग है। और आई कैन टेल यू कॉपीराइटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग पेज में कॉपी बहुत जबरदस्त काम करता है, बिकॉज एडवर्टाइजर्स इतने हो गए, आपको अच्छा कॉपी लिखना पड़ेगा। इसलिए कंटेंट राइटर्स के लिए ये सारी चीजों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर जब जो यंग पीपल व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग एज ए कंटेंट राइटर, बस स्पेशली फ्रीलांसर जो होते हैं, तो नॉर्मली वो आते हैं और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि ब्लॉग हमने लिखा है पर ब्लॉग 4थे पेज पे रैंक कर रहा है, ठीक है ना। तो अब वो इस डायलेमा में रहते हैं कि अब हम कैसे उसको इम्प्रूव करने, क्या हमारी राइटिंग में कमी है या कुछ ऐसा स्किल सेट है जो हमें नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे जिसका ब्लॉग 4th पेज पे जा रहा है और वो चाहता है कि मैं 1st पेज पे आ जाऊं। हाँ, देखिए एक चीज समझना पड़ेगा, जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जो काम हो रहा है उसमें कंटेंट राइटर अलग होता है, एसईओ स्पेशलिस्ट अलग होता है। हाँ, ओके, तो आपको समझना होगा पहली चीज तो कंटेंट राइटर को ये अंदाजा लगाना पड़ेगा जो उसने कंटेंट लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा। अब सही लिखा नहीं लिखा इसके पता करने काफी सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जिस पे ब्लॉग लिख रहे हैं जो ऑलरेडी रैंक 1 पे लिख रहा है उसे बेटर लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। दूसरा आपको डेटा ड्रिवन अप्रोच में आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल जब कॉन्टेंट को क्रॉल करता है तो एनएलपी शब्दों को भी देखता है, इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके कंटेंट में कितने शब्द हैं, कितने एनएलपी शब्द हैं, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कितना है, क्या कंटेंट इंटेंट को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एफएक्यूज है कि नहीं है। और फिर आप समझिए कंटेंट लिखना एक पार्ट हो गया और दूसरा काम आ जाता है एसईओ स्पेशलिस्ट काम आ जाता है कि उसके अंदर रिच स्निपेट है कि नहीं है, उसके पीछे बैकलिंक्स है कि नहीं है, उसके कितने हेडलाइंस होने चाहिए, क्या इंटेंशन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद इसीलिए आप बोल रहे थे कि अगर आपको ये सारी कलाएं 100%, तो आपका 100% नए लेवल पे, और आपका टाइम बच जाएगा। हाँ। क्योंकि आप देखिए, एक हो गया कि आप ब्लॉग लिख रहे हैं और एक हो गया जब आप इन आइडिया से आप लिख रहे हैं। हाँ। आपका एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। और कल को आपको किसी ने बोला, मान लीजिए किसी ने बोला कि नहीं तो कंटेंट अच्छा नहीं है, द पॉइंट इज हाउ यू गोना प्रूव। हो सकता है शायद तब आपको जानना होगा कि वो किस सेंस में बोल रहा है अच्छा नहीं है, बट देयर हैज टू बी डेटा ड्रिवन। तो डेटा ड्रिवन के लिए फॉर एग्जांपल हम अपने कोर्स में मार्केट में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो करीबन करीब 35,000 रुपए पर महीने का बेस्ट सॉफ्टवेयर है। हम एसईओ सर्वर का इस्तेमाल करते हैं जो करीबन करीब 12 से 15,000 रुपए का है, जिससे हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। सो आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में आके आपको सिस्टम से भी पैसा खर्च करना होगा। तो आपको समझना पड़ेगा सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, शुड बी गेटिंग इनटू डेटा एनालिटिक्स एज वेल। मुझे पता होना चाहिए किस तरह से चीजें चल रही है, और ये आपको बहुत मदद करेगा आपको। और सर लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का कि वो जो यंग है ना पीपल, दे वांट टू आस्क कि भाई लिख तो हम रहे हैं ना, लेकिन हम अपना शोकेस कैसे करें ऑनलाइन पे, अपना काम का शोकेस कैसे, क्या कोई ऐसी साइट है जहां हम खुद जाके लिख सकते हैं? तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म हो तो उसके बारे में देखिए। ऐसे तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अपने आर्टिकल्स वगैरह आप पोस्ट कर सकते हैं, बट मैं ये चाहूंगा कि आप खुद का एक छोटा वेबसाइट बना लीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। बाकी काफी पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपने ग्राफिक्स को पोस्ट कर सकते हैं, कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। तो जनरली अगर थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जाएं तो आपको एक छोटा सा वेबसाइट आप बना सकते हैं, और आपका खुद का वेबसाइट होना चाहिए। आप कंटेंट राइटर है, कंटेंट तो आप लिख सकते हैं। अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट होकर या फिर नो कोड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं, आप उसका प्रयोग कीजिए, छोटा सा वेबसाइट बनाइए। और दूसरा आपको ये जानना होगा, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट राइटर हैं, अगर आपको फ्रीलांसिंग बिजनेस है तो आपको समझना पड़ेगा क्लाइंट आएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको बताऊं लिंक्डइन से सॉलिड क्लाइंट्स आएंगे आपको, लेकिन सवाल लिंक्डइन किस तरह से काम करता है। तो आप समझिए कंटेंट राइटर्स एक सॉलिड स्किल सेट है, अगर आप इसमें महारत कर रहे हैं ना तो बाकी चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। सो आई वांट यू टू बी मोर प्रोडक्टिव, आई वांट यू टू बी मोर डेटा ड्रिवन अप्रोच, आई वांट यू टू बी मोर स्ट्रेटेजिक, आई वांट यू टू क्रिएट लेट्स से, अगर हम मीडिया प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप बहुत कमाल का काम कर सकते हैं अगर ये प्रोसेस को जानते हैं आप। सो इंपॉर्टेंट है, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग इन। और मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि कंटेंट राइटर्स हैं तो 100% डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल सीखिए। वी हैव सीन लॉट ऑफ रिजल्ट्स, हमने काफी रिजल्ट्स यहाँ पर केस में भी देखे, जहाँ पर एक स्टूडेंट कंटेंट राइटिंग करके अभी मैनेजर हो गए। अभी सो शी शिफ्टेड फ्रॉम कंटेंट राइटिंग टू मैनेजर, दिस हैपेंस। बड़ा पैसा अच्छा मिला, टीम मिला, नॉलेज मिला, और आपको जो स्किल सेट है उसको आप शार्प करते रहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब जो भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड होंगे, सौरभ सर ने बिल्कुल डिटेल में उनका जवाब दिया। उसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें लिख के भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेल भेजिए, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब कमाल का काम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एंड यू नो द मोर यू लर्न द मोर यू गोना अर्न। थैंक यू सो मच, नमस्ते।